नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर लाइव। आपके साथ में अनुव्रत शर्मा। खबर आ रही है मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से। निशुल्क रक्त परीक्षण शिविर में पहले दिन 3000 से अधिक नागरिकों ने कराया परीक्षण। 90 वर्ष की महिला ने भी कराया रक्त परीक्षण। जी हां, देहदानी विकास पचौरी ने जिले में करीब 1,46,000 निशुल्क रक्त परीक्षण करने के उपरांत नगर में स्थानीय नेहरू चौक पर जैसे ही निशुल्क रक्त परीक्षण का कार्य प्रारंभ किया, पहले दिन 3000 से अधिक नागरिकों ने विकास पचौरी फाउंडेशन के बैनर तले अपना रक्त परीक्षण कराया और अपना रक्त ग्रुप जानकर कार्ड बनवाया। इस पुनीत कार्य में विशेष रूप से नगर के सभी गणमान्य नागरिक, राजनीतिक, व्यापारिक, सामाजिक संगठनों के अलावा राजीव गांधी जन चिकित्सालय एवं आशा कार्यकर्ताओं का विशेष सहयोग रहा। शिविर आयोजक देहदानी विकास पचौरी ने इंडिया खबर लाइव संवाददाता एलन चौबे से चर्चा कर बताया कि अभी जिले में निशुल्क रक्त परीक्षण 1,46,000 के करीब हो चुके हैं। आगामी दिनों में शिविर गंजवासौदा के नेहरू चौक में सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक आयोजित होता रहेगा। विदिशा से एलन चौबे की एक रिपोर्ट। नेहरू चौक गंजवासौदा पर सुबह 9 बजे से आज हमने निशुल्क ब्लड ग्रुप परिचय कार्ड बनाकर देने की सेवा प्रारंभ की है। यह सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक यहाँ पर बासोदा के सम्मानीय नागरिक, बच्चे, माताएं, बहनें, बुजुर्ग यहाँ पर हमें सेवा का अवसर देते रहेंगे। उपाय है कि विदिशा में किसी भी व्यक्ति को जब मृत्यु होती है तब उन्हें निशुल्क हमारा एक शव वाहन है, उसको हम स्वयं चलाकर उन्हें मुक्ति धाम विदा करते हैं। इसके अलावा देहदान के संकल्प पत्र भी हम लोग भरवाते हैं, जिसमें अभी तक 288 व्यक्तियों से हम लोग संकल्प पत्र भरवा चुके हैं। इन्हीं में 7 व्यक्तियों की मृत्यु होने पर उनके पार्थिव शरीर की विदाई हम लोग मेडिकल कॉलेज में कर चुके हैं।